सर्वोदय नमस्कार, माय सेल्फ मोहित राज, योर मैथ टीचर। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, पहले ये जानते हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, y=3x+5, ये लीनियर इक्वेशन है, और इस तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो पहला कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, सेकंड कह रहा है वनली टू सोल्यूशन, एंड थर्ड करता है इनफाइनाइट मीनिंग सोल्यूशन। तो अब इसके एक्चुअली कितने सोल्यूशन होंगे, वनली वन सोल्यूशन होंगे कि वनली टू सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मीनिंग सोल्यूशन होंगे। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन अगर है या कोई भी इक्वेशन, उसका जो अगर वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन दे रहे हैं y=3x+5, अगर इसका पॉइंट्स वगैरह हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, तो मैक्स का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x=0 पुट कर देते हैं, तो जो y=2 होगा 3×0+5, ये 0+5=5। तो पहला जो पॉइंट मिल गया 3 और 5, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया। एंड देन फिर से एक अनदर वैल्यू लेते हैं, पुटिंग x=1, तो y=3 होगा 3×1+5, 3+5 8, फिर 1 और 8। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में मिल गया 1 और 8। फिर फर्दर हम एक वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x=2, देन y=3×2+5, 6+5=11, 2 और 11, एक और पॉइंट मिल गया। तो इस तरह देखते जाएंगे, कोई भी एक्स का वैल्यू अगर पुट करते जाएं तो वाई का एक नया वैल्यू हमें मिलते जाएगा। तो इसके वनली वन सोल्यूशन तो होगी नहीं, क्योंकि यहीं पर अब देख रहे हैं कि यहाँ तीन सोल्यूशन है, एंड सेकेंड ऑप्शन वनली टू सोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि दो से यहाँ ज़्यादा ऑलरेडी निकल चुके और आगे भी निकलेंगे। तो इसका थर्ड होगा आंसर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। अब थर्ड पर टिक कर लो, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। ध्यान लिख देते हैं, इन फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।